बिहार ललित कला अकादमी, फ्रेजर रोड, पटना, बिहार। कला मंगल श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ युवा कलाकारों की समूह प्रदर्शनी लगाई गई है। ये युवा कलाकार मुख्य रूप से लोक कला के चित्रकार हैं और उन्होंने अपने रंगों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की लोक कलाओं का प्रदर्शन यहाँ किया है इस प्रदर्शनी में, जिसका उद्घाटन बिहार के माननीय कला एवं संस्कृति मंत्री श्री कृष्ण कुमार ऋषि ने अपने करकमलों द्वारा आज किया है। नमस्कार। आप उस साइड में खड़ा हो जाइए, ठीक है। नमस्ते सर। वो जगह तो ज़्यादा ना बढ़ गया। Thank you.
एक अरे बिल्कुल ले लीजिए आप और सर क्या ठीक वीडियो बना रहे हैं बच्चे का चेक आपका भी है आपका भी है क्या नहीं हम तो जुड़े हुए बच्चे थे लेकिन मैंने उनके उनके देहांत के लगभग 12 बरस के बाद उनको लेके हम लोग सोचने लायक थे इस प्रदर्शनी में मुख्यतः लोक कला चित्रकारों ने मिथिला चित्रकला शैली में अनेक रंग बिरंगी चित्रों का प्रदर्शन किया है जिसका मुख्य विषय हिंदू देवी देवता हैं जिसमें राधा कृष्ण दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यपु वध
नरसिंह अवतार, दशा अवतार, कृष्ण लीला इत्यादि है। यहाँ आदित्य कुमार ने जूट के धागों से बहुत ही सुंदर बैलगाड़ी का निर्माण किया है। बहुत ही सुंदर कलाकृति है, जूट के धागों से बना हुआ बैलगाड़ी, इसे देखते ही हमें गांव का दृश्य याद आ जाता है। आज जो है हमारे समाज में बैलगाड़ी मुख्यतः गायब होते जा रहा है, केवल गांव में इसे देखा जा सकता है, शहरों में नहीं देख सकते हैं। यह कलाकृति भी आदित्य कुमार ने बनाया है। जूट के धागों से इसे देखकर हमें पता, बचपन में पढ़ी हुई कहानियां याद आ जाती हैं, सारस और सियार जिसे दावत में बुलाया गया था। यह भी एक मिथिला कलाकृति है जिसे साधना देवी ने बनाया है, जिसका शीर्षक है चिच्चू, जिसमें वृक्ष पर, कदम के पेड़ पर भगवान श्री कृष्ण हैं और नीचे पेड़ के नीचे गोपियां हैं और उनसे अपने वस्त्र वापस करने के लिए विनती कर रही हैं, उन्हें मना रही हैं। चंद्रमा को हम लोग मानते हैं क्या, किस रूप में पुरुष रूप मानते हैं कि स्त्री रूप में, जैसे सूर्य को आप विज्ञापन, चंद्रमा को नारी रूप क्यों दिया है अपने ज्ञान के लिए, जब सूर्य को घूमने के चक्कर में उस तरह से बनाई, आप जैसे आज पीछे मर रहा था अब इधर आ, चित्र चोर क्यों लिखे, चित्त चोर हो चित्ता होगा, हाँ चित्त चोर
यहाँ से मेरा कपड़ा हाँ कपड़ा पे उस तरफ ना बनाया हुआ है उधर इसके सामने ये वर्ली महाराष्ट्र का लातूर सांगली नहीं झोपड़ी घरेलू जो महाराष्ट्र में बनाते हैं कले लग कले बैठक होता है ये टिपिकल खोदना है अभी हम सोच रहे हैं ऐसा लिखेंगे पहली बार देखिए सबसे प्रॉब्लम वहाँ होता है कि जहाँ हम टूट जाते हैं वही है लेकिन जो हम लोग आज तक जो देखते आए हैं राधा कृष्ण और ये उसमें जो रंगों का जो खेल होते हैं वो लेकिन मैंने थोड़ी उसमें डिफरेंट डाली है कि दो ही तीन कलर के कॉम्बिनेशन और उसमें मधुबनी में क्या मॉडर्न कर सकते हैं परंपरा हमारी वही रहेगी ट्रेडिशन वही रहेगी उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी लेकिन हमारी सोच क्या कहती है वो मैंने जितना भी पेंटिंग देखेंगे थोड़ी सी मेरी डिफरेंट रहेगी कॉम्बिनेशन लोगों का सोच देखना पड़ता है नहीं वही क्या रहे नहीं जिन लोगों ही कहते हैं कि तुम जो मधुबनी कर रहे हो उसमें जो आज तक जो राधा कृष्ण और रास लीलाएं जो बनाई जा रही हैं उसमें तुम कुछ संदेशात्मक उसमें जैसे नारी शिक्षा हो तो उसमें मधुबनी के जरिए तुम कैसे कर सकते हो तो पहले मैंने नहीं किया है वो संदेशात्मक चीज़ नहीं है लेकिन मैंने कुछ चाहा है कि कुछ अलग थोड़ा सा ट्रेडिशन टाइप का ट्रेडिशन वही है हमारे लेकिन थोड़ी सी आधुनिकता हम इसमें क्या सकते यह भी कलाकृति आदित्य कुमार ने बनाया है खेलता हुआ हाथी फुटबॉल खेल रहा है हाथी और बहुत ही सुंदर कलाकृति है अति सुंदर इसे भी जूट के धागों से तैयार किया गया है बहुत ही सराहनीय कार्य है आप ये दृश्य देख रहे हैं बिहार ललित का अकादमी फ्रेजर रोड पटना जहां युवा कलाकारों ने कला मंगल श्रृंखला के अंतर्गत लोक कला चित्रकारों ने मधुबनी यानी मिथिला शैली और वर्ली पेंटिंग एवं अन्य नई शैलियों में रंग बिरंगे कलाकृतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है यहाँ कला प्रेमी पूरे बिहार से आए हुए हैं और यहाँ युवा कलाकारों की कला चित्रों को देख करके उनका संदेश ग्रहण कर रहे हैं नमस्कार
अमृत न्यूज़ यूट्यूब पटना बिहार।